नमस्कार मित्रों, मैं हूं आरपी वर्मा। आप देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं जनपद बरेली की नगर पंचायत विशारदगंज में। हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 11 से सभासद पद के प्रत्याशी असलम खान। आइए हम बात करते हैं, असलम खान निवर्तमान वार्ड सभासद भी हैं और इस बार भी चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। आइए हम बातचीत कराते हैं। असलम भाई, स्वागत है आपका। धन्यवाद साहब। असलम भाई, आप निवर्तमान सभासद भी हैं और इस बार भी आप चुनावी मैदान में हैं, तो इस बार आपके क्या क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो यही हैं, बस पब्लिक का विकास कराना, स्वच्छ गली सड़क लाइट की व्यवस्था होना, और 5 साल में रह के हमने बहुत काम करे हैं, जो रोड थे वो भी सारे कराए हैं, बिजली की व्यवस्था कराई है, प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान का भी लोगों को दिलाए हैं, और राशन कार्ड वगैरह जिन लोगों पे नहीं थे वो भी काफ़ी लोगों को बनवाए हैं। इस सरकार में काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिला है योगी जी के उसमें योगदान से, बहुत बढ़िया वो रहा है। हर वक्त टाइम पे गल्ला मिला है सरकारी कोटों से, कहीं कोई इसी तरह की धांधलेबाजी नहीं है। इससे पहले बहुत तरह की बोती थी कि भाई कम मिल जाए, कि इस महीने का नहीं मिल जाए, उस महीने का नहीं मिल जाए। इस पूरे 5 साल में हर महीने हर वक्त हर चीज़ उपलब्ध हुई है। साफ सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था रही है, हमारी नगर पंचायत के कर्मचारियों ने बहुत सहयोग करा है, पूरी नगर पंचायत में हर वार्ड में हर गली में हर तरह की व्यवस्था करी है। पानी की व्यवस्था हर टाइम बरकरार रही है, दिन में 3 टाइम पानी आया है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं रही है। बिजली की बहुत बढ़िया व्यवस्था रही है, और आगे भी यही प्रयास रहेगा कि वार्ड बहुत उपलब्धि की तरफ जाए, बढ़िया कार्य हो। असलम भाई, जैसा कि तमाम लोग और भी यहाँ आपके वार्ड नंबर 11 से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका कहना है कि वार्ड 11 में पिछले 5 वर्षों में कोई ज़्यादा मतलब ज़्यादा साफ सफाई और तमाम तरह की समस्याओं को लेकर उन्होंने कहा कि ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। ऐसा विपक्ष का तो काम है, पक्ष कितना ही मजबूत काम करे, कितना ही बढ़िया करे, विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना। उनकी तो वो रहती है कि कीचड़ उठाना, बाकी तो जो जनता होती है वो जानती है। अब पक्ष विपक्ष तो होता ही है, भाई पक्ष बढ़िया काम करेगा विपक्ष मुद्दे उठाएगा। ये तो जनता बताई, जनता के बीच आप जाओगे तो जनता से जब आप पूछोगे कि भाई आपको टाइम पे राशन मिला है, टाइम पे आपको पानी मिला है, टाइम पे आपको लाइट मिली है, तो ये सब जनता बताएगी। असलम जी, जैसा कि तमाम राजनीतिक दल चुनावी मैदान में डटे हुए हैं, तो आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आप वार्ड 11 से चुनाव लड़ रहे हैं, किसी दल से आप चुनाव क्यों नहीं लड़ा? पिछली बार भी मैं निर्दलीय लड़ा था और 203 वोटों से विजय प्राप्त हुई थी, और इस बार भी मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। तो यही है कि भाई पब्लिक की उस पर मैंने पार्टी में आवेदन कराया, एकाध पार्टी में उसमें सफल नहीं हो पाया, तो निर्दलीय लड़ रहा हूँ। असलम भाई, आपको पूरा नगर पंचायत विशारदगंज देख रहा है, तो इस बार अगर आप जनता द्वारा अगर आप वार्ड के सभासद चुने जाते हैं, तो ऐसा कौन सा कार्य कराएंगे जो एक बड़ी उपलब्धि होगी वार्ड 11 को? मेरा पहला और प्रथम प्रयास यही है कि अगर इस बार मैं चुन के आया तो मैं अपने वार्ड में सबसे पहले बारात घर की व्यवस्था करूँगा। शादी की बहुत बड़ी दिक्कत है, लोग दूर दूर जाते हैं, कोई बारात घर नहीं है। यहाँ से 1 किलोमीटर पश्चिमी रेलवे फाटक पर बारात घर है, तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं सबसे पहले इस बार बारात घर बनवाऊँ। इससे मेरा पहले प्रयास था, हमारे यहाँ एक कब्रिस्तान है, उसकी दुर्दशा अच्छी नहीं थी। लोग कहते हैं कि इस सरकार में पैसा नहीं मिलता है, मैंने प्रयास करा, योगी जी तक मैंने अपनी बात पहुँचाई, कब्रिस्तान की बाउंड्री के लिए मुझे भरपूर पैसा मिला, मैंने विकास कराया और वो सामने है। तो इसलिए मेरा दूसरा इस बार चुनने के बाद मेरा प्रयास होगा कि मैं इस वार्ड में बारात घर बनवाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ नगर पंचायत विशारदगंज से वार्ड नंबर 11 से निर्दलीय प्रत्याशी असलम खान जी। लगातार हम आपको प्रत्याशियों से मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए बरेली देहात न्यूज़।